हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हमारा आज का सेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स के एम से रिलेटेड है वैसे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे हमने बहुत सारे एम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं और आज के सेशन में हम अप्रॉक्स हंड्रेड एम और डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने पहले के एम सी में बताया हुआ है तो वो सेशंस से अगर अभी तक आपने नहीं कवर किए हैं तो ज़रूर से कवर कर लेना सो दैट आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाए रिलेटेड टू तो माइक्रो इकोनॉमिक्स चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जब हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम वेन टोटल यूटिलिटी कब मैक्सिमम होता है जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है और ये एम यू टी यू का रिलेशन हमने लास्ट क्लास में बताया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड गोसन फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नेक्स्ट वेन इंडिविजुअल्स इनकम फॉल्स एवरीथिंग रिमेन द सेम हिज डिमांड फॉर एन इन्फीरियर गुड्स अब देखो अगर आपकी इनकम फॉल हुई तो नो no डाउट अब आप सुपीरियर गुड्स तो नहीं खरीद सकते अब इनकम अगर डाउन हो रही है आपकी इनकम डिक्रीज़ हो रही है गुड्स की प्राइस एज इट इज़ है तो उस केस में आपको इन्फीरियर गुड्स का कंजम्पशन इंक्रीज़ करना होगा मतलब जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं वही कंज्यूम करोगे रीज़न बिंग आपकी इनकम कम हो गई तो करेक्ट आंसर होगा ए राइजेस और वैसे भी अगर हम इनकम एंड इन्फीरियर गुड्स की बात करें तो इनमें नेगेटिव रिलेशन होता है या इनवर्स रिलेशन होता है नेक्स्ट इफ़ नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन द पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट तो उस केस में हमारा प्रोडक्ट कैसा होगा गिफेन गुड अब देखो सबसे पहले सब्सिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज़ हुई तो इस केस में क्या होता है ना सब्सिट्यूशन इफेक्ट की वजह से क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके लिए ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट सब्सिट्यूट होगा तो ये जो सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स अब तक यूज़ कर रहे थे वो भी अब इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करेंगे जिसकी प्राइस डिक्रीज हुई है क्लियर तो जैसे ही सब्सिट्यूशन इफेक्ट तो जैसे ही प्राइस फॉल करती है सब्सिट्यूशन इफेक्ट की वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा गुड्स परचेज करना शुरू कर देते हैं क्लियर जैसे मान लो दो प्रोडक्ट है ए और बी ए की प्राइस डिक्रीज की और ए और बी क्या है सब्सिट्यूट गुड्स हैं तब जो बी के कंज्यूमर्स है वो भी कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे ए की तरफ दूसरा एक कॉन्सेप्ट इसमें है इनकम इफेक्ट इनकम इफेक्ट में क्या होता है ना कि जब प्राइस फॉल होती है अब हमारी इनकम तो उतनी ही है तो हमारी कहीं ना कहीं रियल इनकम बढ़ जाती है मतलब जो चीज़ पहले हमें सौ रुपये में मिल रही थी अब वही चीज़ एट्टी रुपीज़ में मिल रही है और हम अर्न तो उतना ही कर रहे हैं तो उस केस में भी हमारा जो कंजम्पशन है गुड्स का वो हम इनक्रीज़ कर देते हैं क्लियर बस इतना है कि इनकम इफ़ेक्ट में दो चीज़ का ध्यान रखेंगे कि नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम इफ़ेक्ट क्या होगा पॉजिटिव क्योंकि जैसे ही प्राइस डिक्रीज़ हुई इनकम कांस्टेंट है रियल इनकम हमारी बढ़ी तो हमारे नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी बढ़ा देंगे बट अगर इन्फीरियर गुड्स है तो इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होता है कि जैसे इन्फीरियर गुड्स की प्राइस डिक्रीज हुई अब हमें क्या लगेगा ये तो और लो क्वालिटी हो गई इसकी तो भले हमारी इनकम चेंज नहीं हुई भले हमारी रियल इनकम इंक्रीज हुई तब भी हम इसे इन्फीरियर गुड्स को परचेज करना नहीं पसंद करेंगे तो इसके साथ कैसा रिलेशन है नेगेटिव क्लियर और अगर गिफिन गुड्स की बात करें तो गिफिन गुड्स मतलब जो हाईली इन्फीरियर गुड्स होता है तो ये जो हाईली इन्फीरियर गुड्स है ना इसका नेगेटिव इनकम इफेक्ट हमेशा ज्यादा होता है पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से क्यों क्योंकि नेगेटिव इनकम इफेक्ट मतलब सिंपली कि अगर हमारी इनकम कि अगर हमारी रियल इनकम इंक्रीज करेगी ना तो हम गिफेन गुड्स को नहीं परचेज करेंगे और रियल इनकम अगर डिक्रीज करेगी तो उस केस में हम गिफेन गुड्स परचेज करेंगे इज ग्रेटर देन द पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट अब मान लो मार्केट में दो प्रोडक्ट ए और बी और दोनों ही गिफिन गुड्स हैं मतलब दोनों ही लो क्वालिटी प्रोडक्ट हैं तो ए की प्राइस अगर डिक्रीज हुई तो भी इतना ज़्यादा सब्सटिट्यूशन नहीं होगा क्यों क्योंकि लोगों को लगेगा कि जब इसकी प्राइस डिक्रीज हुई तो कहीं ना कहीं इसकी क्वालिटी बहुत लो हो गई होगी क्लियर इसीलिए गिफिन गुड्स के केस में हमेशा नेगेटिव इनकम इफेक्ट का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है पॉजिटिव सब्सटिट्यूशन इफेक्ट से तो करेक्ट आंसर होगा सी नेक्स्ट विज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स विथ रिगार्ड टू मार्शनल यूटिलिटी मार्शनल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द लास्ट यूनिट ये तो करेक्ट है

कंज्यूमर सरप्लस बेसिकली क्या है कि अगर मान लो पर्टिकुलर यूनिट के लिए 10 रुपए पे करने को रेडी थे पर मार्केट में हमें सिर्फ 8 रुपए पे करना पड़ा तो ये दो रुपए क्या है मेरा फायदा है तो as पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड माइनस प्राइस नेक्स्ट इफ बोथ द प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई आर नॉर्मल गुड्स अगर दोनों ही नॉर्मल गुड्स हैं ना तो उस केस में अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है और क्वेश्चन में अगर नॉर्मल गुड्स बोला है तो हम हमेशा उसका कंपैरिजन किससे करेंगे इनकम से तो इनकम के साथ नॉर्मल गुड्स का कैसा रिलेशन होता है डायरेक्ट रिलेशन होता है इसीलिए आपका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा स्लोप अपवर्ड टूवर्ड्स राइट दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू टोटल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द लास्ट यूनिट नो उसको तो यूटिलिटी कहते हैं टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट यस अगर टोटल यूटिलिटी की बात करें तो वो इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से भी एज वेल एज डिक्रीजिंग रेट से भी तो करेक्ट आंसर होगा बी अच्छा एक और पॉइंट देख लो लिखा एट सेटेशन पॉइंट टोटल यूटिलिटी इज नेगेटिव क्या टोटल यूटिलिटी कभी भी नेगेटिव हो सकता है नहीं वो डिक्रीज कर सकता है डिमिनिशिंग रेट से बट वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता नेक्स्ट इफ़ नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज लेस देन पॉजिटिव सब्सिट्यूशन इफेक्ट उस केस में प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है इन्फीरियर गुड यहाँ क्या बोला है कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट किससे कम होगा पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और गिफेन गुड कब होता है ये भी हमने बता दिया है इनफैक्ट हमने वहां ये भी पॉइंट बताया कि क्या होता है, क्या होता है? Next, इसका करेक्ट आंसर होगा बी नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू हिस्सिट्यूशन इफेक्ट इज द मूवमेंट टू अर इंडिफरेंस द मूवमेंट टू अ लोअर इंडिफरेंस कर्वमेंट अलोंग एंड इनडिफरेंस कर्व

तो उसको हम कहते हैं स्ट्रॉग ऑर्डरिंग क्लियर ऑप्शन देखते हैं एब्सेंस ऑफ इंडिफरेंस प्रेजेंस ऑफ इंडिफरेंस नो डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट कॉम्बिनेशन नन ऑफ द व अब अगर इंडिफरेंस कव की बात करें तो वहाँ वीक ऑर्डरिंग होता है क्योंकि वहाँ पे आपके पास दो ही ऑप्शन ही होते हैं प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी उन्हीं में से आपको चूज करना होता है बट स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग तब एग्जिस्ट करता है जब आपके पास बहुत सारे कॉम्बिनेशनस हों बहुत सारे प्रेफ्रेंसेस हों आपके और उनमें से आप सेलेक्ट करो उनमें से आपका एक फिक्स पैटर्न हो सिलेक्शन का क्लियर तो करेक्ट आंसर होगा बी प्रेजेंस ऑफ इंडिफरेंस इन द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कंजम्पशन एंड टू प्रूव द लॉ ऑफ डिमांड सैमसन यूजेस कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम कॉस्ट डिफरेंस द ओवर कंपनसेशन इफेक्ट करेक्ट आंसर होगा सी इफ नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट तो उस केस में जो हमारा प्राइज इफेक्ट है वो हमेशा नेगेटिव होता है नेक्स्ट एज पर इन डिफरेंस कर्फ एनालिसिस कंज्यूमर इक्विब्रियम इज अटेंड वेन स्लोप ऑफ इन डिफरेंस कर्व इज कॉन्स्टेंट स्लूप ऑफ बोथ इनडिफरेंस कर्व एंड इनकम प्राइस लाइन आर इक्वल अगर दोनों इक्वल है तो उस सिचुएशन में ही आप कंज्यूमर इक्लिब्रियम अटेन कर सकते हो तो करेक्ट आंसर होगा बी नेक्स्ट द स्लोप ऑफ अ बजट लाइन इज द अटिस्फेक्शन लेवल ऑफ बोथ द कमोडिटीज द इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर द प्राइस रेशियो ऑफ बोथ द कमोडिटीज अंडर कंसिड्रेशन यही होता है ना कि बजट लाइन जब भी हम बनाते हैं तो हम हमेशा दो प्रोडक्ट लेके चलते हैं एक एक्स और एक वाई तो ये जो स्लोप है ये क्या रिप्रेजेंट करता है इन दोनों के प्राइस रेशियो को तो करेक्ट आंसर होगा सी नेक्स्ट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी द स्लोप ऑफ इन डिफरेंस कर्व डिफर फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इज इक्वल ऑन द अदर साइड ऑफ द मिड पॉइंट इज द सेम अब अगर हम लोग बात करें एट द पॉइंट ऑफ इंटेंजेंसी ये जो बजट लाइन पे इंटेंजेंसी बनता है इसकी बात करें कि जो स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का कर, वो वहाँ पे भी सेम ही रहेगा तो करेक्ट आंसर होगा सी नेक्स्ट द स्लोप ऑफ अ बजट लाइन थ्रू आउट इट्स लेंथ इज दैटिस्फैक्शन लेवल ऑफ बोथ द कमोडिटीज द इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर द प्राइज रेश बोथ द कमोडिटीज अंडर कंसिडरेशन बजट लाइन के जब भी स्लोप की बात करेगा तो हमेशा याद रखना कि इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है प्राइस रेशियो को रिप्रेजेंट करता है नेक्स्ट द इनकम इफेक्ट फॉर अ कमोडिटी इज अभी डिपेंड करता है इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड्स के साथ पॉजिटिव होगा इंफीरियर गुड्स के साथ नेगेटिव होगा और कुछ गुड्स के साथ जीरो भी होता है तो ये डिपेंड करेगा किस पे अपॉन द नेचर ऑफ द कमोडिटी नेक्स्ट द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फॉर अ कमोडिटी इज अब देखो सब्सिट्यूशन इफेक्ट की बात करें तो जनरली हम लोग क्या मानते हैं कि जैसे टी एंड कॉफ़ी है जैसे ही कॉफ़ी की प्राइस इंक्रीज़ होगी लोग टी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे ये मानते हैं इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सब्सिट्यूशन इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है बट ऐसा पॉसिबल नहीं है सब्सिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव तो होता है बट कुछ सिचुएशन में ये नेगेटिव भी होता है कई बार हमारे पास दो प्रोडक्ट होता है जैसे एक्स और वाई और इफ़ इन केस वाई की प्राइस इंक्रीज हुई तो लोग वाई की तरफ शिफ्ट होते हैं जब हम बात करते हैं इन्फीरियर गुड्स की तो उसके केस में यही होता है कि जब प्राइस इंक्रीज़ होती है ना दूसरे प्रोडक्ट की तो लोगों को लगता है कि इसकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई इसलिए लोग उधर शिफ्ट हो जाते हैं क्लियर और कई बार ऐसा होता है कि जब दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ हुई तो भी लोग उसी को कंज्यूम करते हैं वो दूसरी तरफ शिफ्ट नहीं होते क्यों क्योंकि कही कहीं ना कहीं ये आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के चॉइस को लिमिट कर देती है तो आप ये आप ये ट्राई करते हो कि भले उसकी प्राइस बढ़ गई बट स्टिल हम वही कंज्यूम करेंगे अब ऐसा तो नहीं होता ना कि सारे लोग जैसे ही टी की प्राइस इंक्रीज होती है वो कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आपने थेरोटिकली ये पढ़ा है कि सब्सिट्यूशन इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है बट करेक्ट आंसर होगा डी कि ये कभी नेगेटिव भी होता है कभी पॉजिटिव भी होता है नेक्स्ट प्राइस इफेक्ट क्या होता है इनकम इफेक्ट प्लस सब्सिट्यूशन इफेक्ट दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी नेक्स्ट फ़ॉर आ गिफ एन गुड वेन प्राइस फॉल्स गिफ एन गुड के साथ क्या रिलेशन होता है कि अगर प्राइस फॉल हो रही है तो हमें लगेगा उसकी क्वालिटी डाउन हो गई तो हम उसकी डिमांड और डिक्रीज कर देंगे करेक्ट आंसर होगा बी डिमांड डिक्रीजेस नेक्स्ट इन्फीरियर गुड्स आर द गुड इन्फीरियर गुड्स भी लो क्वालिटी प्रोडक्ट होता है बस ये होता है कि जो गिफेन गुड्स होता है वो ज़्यादा लो क्वालिटी होता है एंड इन्फीरियर गुड्स के साथ भी कैसा रिलेशन होता है कि अगर प्राइस इंक्रीज़ होगा तो लोग उसकी डिमांड इंक्रीज़ करेंगे अगर प्राइस डिक्रीज़ होगा तो डिमांड डिक्रीज़ कर देंगे और इनकम के साथ कैसा रिलेशन होता है नेगेटिव क्योंकि अगर इनकम इंक्रीज करेगी तो आप कभी भी लो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तो करेक्ट आंसर होगा सी नेगेटिव इनकम इफेक्ट नेक्स्ट इन डिफरेंस कर्व ये हमेशा कैसे होता है ऑलवेज पैरल मे बी पैरल मे नॉट बी पैरल बोथ बी एंड सी तो ये पैरल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है डिपेंड कि किस तरह का गुड्स है हमारे पास सब्सटीट्यूट गुड्स है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है या नॉर्मल गुड्स है रिवील प्रेफरेंस थ्योरी ये करता है स्ट्रॉ ऑर्डरिंग क्योंकि यहां पे यही माना जाता है कि एक प्रेफरेंस सेट है एक ऑर्डरिंग आप प्रॉपर कर रहे हो आपकी ऑर्डरिंग का प्रेफरेंस सेट होता है एंड आपके पास जो ऑप्शन है वो भी बहुत सारे होते हैं तो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग कौन से फॉलो करती है नेक्स्ट हिक एल एन थ्योरी इज बेस्ड ऑन वीक ऑर्डरिंग क्यों क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पहली बात तो दो ही प्रोडक्ट होते हैं और उसके कुछ लिमिटेड कॉम्बिनेशन होते हैं और क्योंकि हर कॉम्बिनेशन पे आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है तो कोई भी कॉम्बिनेशन आप चूज कर लो आपका कोई फिक्स प्रेफरेंस नहीं होता है इनकम कंजम्पशन कर्व ऑफ एन इंफीरियर कमोडिटी इज बैकवर्ड बेंडिंग इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स इनडिफरेंस कर्व एम आर एस इज डिमिनिशिंग जो एम आर एस है एक्स वाई का वो हमेशा क्या करेगा फॉल करेगा नेक्स्ट हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होता है क्योंकि जितना ज्यादा हायर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ही ज्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल मिलता है एज पर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कंज्यूमर ऑलवेज ट्राई टू रीच हायर इंडिफरेंस कर्व विच मेथड इज यूज बाय हिक्स टू एलिमिनेट द इनकम इफेक्ट वेन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज चेंज्ड कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम द कॉस डिफरेंस लोअर कम्पनसेशन इफेक्ट सब्सिट्यूटिंग वेरिएशन इन प्राइस तो कह रहे क्वेश्चन में कि विच मेथड इज यूज बाई हेक्स टू एलिमिनेट द इनकम इफेक्ट इनकम इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम द बेसिक डॉक्टर ऑफ कंज्यूमर सरप्लस ये किस पे बेस्ड है कंज्यूमर सरप्लस बेसिकली बेस्ड है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्शनल यूटिलिटी पे अकॉर्डिंग टू मार्शल द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्शनल यूटिलिटी अपलाइज ऑन मनी नो डू नॉट अपलाइज ऑन मनी एक्सेप्ट बैंक मनी डज नॉट अपलाई ऑन बैंक मनी अपलाइज ऑन ऑल कमोडिटीज एक्सेप्ट मनी एंड इन डिफरेंस कर्व ये क्या रिप्रेजेंट करता है सिर्फ दो ही कमोडिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है तो करेक्ट आंसर होगा सी इन डिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन एंजल कर्व और गिफिन गुड इज एंजल कर्व के बारे में पहले भी हमने डिस्कस किया कि नॉर्मल गुड्स के लिए पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है और गिफिन गुड्स के लिए नेगेटिवली स्लोप्ड होता है मार्शनल यूटिलिटी ये हमेशा यूटिलिटी जो डिराइव्ड होती है फ्रॉम लास्ट यूनिट उसको हम कहते हैं मार्शनल यूटिलिटी ऑलवेज जीरो तो नहीं होता ये पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है और इंक्रीजेज आट डिमिनिशिंग रेट ये पॉसिबल नहीं है टोटल यूटिलिटी क्या है द सम टोटल ऑफ मार्शनल यूटिलिटीज़ येस इंटायर यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम होल कंजम्पन येस इंक्रीजेज आट डिक्रीजिंग रेट करेक्ट आंसर होगा डी वन टोटल यूटिलिटीज़ इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्शनल यूटिलिटी भी डिक्रीज होता है अदर थिंग्स बिंग इक्वल अ डिक्रीज इन डिमांड कैन बी कॉस्ड बाय अगर डिमांड डिक्रीज हो रही है और हम ये मान लेते हैं कि क्वेश्चन साइलेंट है तो ये नॉर्मल गुड्स है तो नो डाउट अ फॉल इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो रहा होगा कि कंज्यूमर की इनकम घटी तो डिमांड भी डिक्रीज हो गई वेन प्राइज ऑफ अ प्रोडक्ट फॉल्स मोर ऑफ इट्स परचेज मोर ऑफ इट इज़ परचेस्ड बिकॉज ऑफ किसकी वजह से परचेज किया जाता है जब प्राइस फॉल होता है तो ड्यू टू सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट लोग उसको परचेज करते हैं

कॉन्सेप्ट पूछता तो वो मार्शल ने डेवलप किया था टोटल यूटिलिटी कर्व ऑलवेज राइजेस फर्स्ट फॉल्स देन राइजेस ऑलवेज फॉल्स फर्स्ट राइजेस एंड देन फॉल्स आफ्टर रीचिंग इट्स मैक्सिमम एट पॉइंट हमेशा क्या होता है जीरो अ कंज्यूमर रिचेज इक्विब्रियम वेन जब आपकी मार्शनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होती है तब कंज्यूमर इक्विब्रियम सी करेक्ट आंसर होगा ए मार्शनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस नेक्स्ट मार्शल इन कार्डनल यूटिलिटी एनालिसिस अज्यूम्स अब देखो कार्डनल यूटिलिटी की बात किया तो नो डाउट हम मार्शनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं और ये क्या अज्यूम करता है कि मार्शनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमेशा कॉन्स्टेंट होगा नेक्स्ट वेन इंडिविजुअल इनकम राइजेस एवरीथिंग रिमेन द सेम हिज डिमांड फॉर अ नॉर्मल गुड अगर इनकम बढ़ी तो नॉर्मल गुड के लिए डिमांड भी बढ़ेगी तो करेक्ट आंसर होगा ए वैन इंडिविजुअल इनकम फॉल्स हिज डिमांड फॉर अ नॉर्मल गुड ये भी फॉल करेगी क्यों क्योंकि इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है तो करेक्ट आंसर होगा बी फॉल क्लियर ये ओवरऑल फिफ्टी एमसी से रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स जहां पे हमने वो पॉइंट डिस्कस किए जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे इनकम इफेक्ट सब्सिट्यूशन इफेक्ट प्राइस इफेक्ट इन डिफ्रेंस ऑफ मार्शल यूटिलिटी जिसपे आपका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डाउट रहता है ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और अगर कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो एंड नेक्स्ट फिफ्टी क्वेश्चन भी हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे जो बेसिकली इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है अगर आपको आज का क्लास यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स आज के लिए बस इतना थैंक यू सो मच